जीना या ज़िंदगी गुजारना। अजीज़ो, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जीने में और ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है। आपने अक्सर सुना होगा कि बस जी रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा गुज़र रही है ज़िंदगी। आपने इसे ऐसे भी सुना होगा कि जीना तो अब शुरू किया है, पहले तो ज़िंदगी गुज़र रही थी। तो देखते हैं कि जीने में और ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। मैं हाज़िर हूँ प्रोग्राम रिटर्न टिकट्स के साथ। अजीज़ों, हमारी ये ज़िंदगी चंद सांसों पर मुहित है। हम यहाँ आए हैं लेकिन टिकट हमारे हाथ में है, हमें यहाँ से जाना है। तो क्या जब तक हम यहाँ ज़मीन पर जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, दुख से जी रहे हैं, या फिर आए हैं और चले जाएंगे, बस गुज़र रही है ज़िंदगी। इन तमाम मामूलात पर शायद हम कभी गौर ही नहीं करते कि चंद लम्हों के लिए तो मिली है ये ज़िंदगी, फिर इसे कैसे जिया जा रहा है। मैं कहीं सुन रही थी कि कुछ लोग काम 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 और बस काम में ही लगे रहते हैं, और कुछ लोग एंजॉयमेंट इसी में लगे रहते हैं, और कुछ लोग खिदमत में लगे रहते हैं और बस वो खिदमत ही करते चले जाते हैं। क्या आपने सोचा कि हमारे हिस्से में क्या आया है, हम क्या कर रहे हैं? आइए, आज मौका है, अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, कुछ लोग दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कुछ लोग दुआ नहीं करते, कलाम भी नहीं पढ़ते और काम पर चले जाते हैं, कुछ लोग काम भी नहीं करते और मस्त लेट कर अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर या फिर जो भी उनकी हॉबी है उसको लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या आपने सोचा है, ऐसे ही ख्याल आता होगा या ना भी आता हो तो आज सोचिए इस बारे में, हमें क्या मालूम कि कब हम चले जाएंगे। किसी को भी अपनी मौत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्या ऐसा है? यह हम सब जानते हैं, कोई नहीं जानता ना। तो फिर कैसे हम ये सब कर लेते हैं कि इस बारे में सोचते भी नहीं। ये ज़िंदगी चंद लम्हों की। एक शेर पढ़ती हूँ कि झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, ज़िंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि हमारे लिए ज़िंदगी प्यारी भी है या नहीं है, हम इस ज़िंदगी से प्यार भी करते हैं या नहीं करते, हमें इसकी कदर भी है या नहीं है, हम जी रहे हैं या ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में आए हैं। अजीज़ों, आज हमने सीखना है कि जीना किसे कहते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन लोग आए हैं। किसी इंसान को खुदा ने मकसद के बग़ैर नहीं भेजा, किसी भी इंसान को, हर इंसान के लिए मकसद है। यीशु मसीह कहते हैं, मोहब्बत करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, दिया करो,
अपना सब कुछ दे दो, यानी दुनिया की चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ वही बता रही हूँ जो खुदावन के कलाम में लिखा है, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो हमसे वो कहते हैं। अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को छोटा बनाओ, ईगो को ख़त्म करो, माफ़ करो और माफ़ करते जाओ। बस तुम करो, क्या करना है? माफ़ करना है। खिदमत गुजार बनो, ना कि खिदमत करवाने वाले बनो। मुसाफिर परवरी करो और रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखाने के लिए मत करो, बल्कि जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो। ये मतलब ये जब भी वर्स आती है जहन में, खुदा का फरमान ये आता है, तो हमेशा मुझे याद आता है कि मेरी फुफ्फो मुझसे हमेशा कहा करती थी इस बारे में कि जो भी करते हो ये जान के करोगे खुदा के लिए करते हो, तो फिर उसमें आप किसी भी तरह की खोट या मिलावट नहीं कर सकते, आप पूरे दिल से वो काम करते हो। खैरात करो तो अपने आप से भी छुपा करो, ताकि दिल में दिमाग में कहीं गुरूर पैदा ना हो जाए कि हमने ये दिया था, हमसे ये हुआ था। सिर्फ खुदा से मांगो, वो तुम्हें अता करेगा। चिल्ला चिल्ला कर दुआ मत करो, अपनी कोठरी बंद करके पोशीदगी में खुदा से दुआ करो। इबादत करो कैसे? दो या चार मिलकर। तो भी ये नहीं कहा गया कि बहुत शोर शराबे के साथ करो इबादत करो, दो चार मिलकर जहाँ पर खुदावन ने मौजूद होने का वादा भी किया है। मिलकर मतलब समझते हैं आप, यक दिल होकर इकट्ठे बैठकर। सिर्फ दुआ करना दुआ करना नहीं, आपका इकट्ठा होना यक दिल होने से मुराद है। मुत्तफिक होकर खुदा से दुआ करें, गीत गाएं, अपने आप को रास्तबाज मत ठहराओ। ऐब जोई ना करो, कल की फिक्र ना करो। फिर ये भी कहा कि दुनिया के रंग में रंग कर अपनी शनाख्त मत खो देना, क्योंकि हमारी शनाख्त हमारा मसीह है, क्योंकि उसने दुनिया में आकर इंसानी रूप लेकर इंसान बनकर हम सबको जीना सिखाया है। वही जीना है। फिर कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ ज़िंदगी गुजार कर चले जाएं? यीशु मसीह ने कहा, तुम आसमानी बादशाही की तलाश में लगे रहो, दुनिया की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ये वादा है, क्योंकि ये दुनिया तो क्या है? मुसाफिर खाना। सब ने यहाँ से जाना ही है, इसलिए जीने का ढंग हमें सीखना है अगर, तो कलाम को देखते हुए हमें दुनिया को छोड़कर खुदा की बादशाही की फ़िक्र में लगे रहने की ज़रूरत है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम उल्टा जी रहे हैं। हम पहले ढूंढते हैं दुनिया की चीज़ें और खुदा की बादशाही की फ़िक्र हम में कहीं मौजूद ही नहीं होती। कलाम भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी से हम बहुत दूर हैं। अजीज़ो, फिर कहूँगी कि यहाँ से जाना है, रिटर्न टिकट तो हम लेकर आए हैं, मगर साथ में एक बॉक्स जो कि हमारा बदन की सूरत में हमारे पास मौजूद है, ये बॉक्स की तरह है, हमें दिया गया है। इसको हमने दूसरों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है, और फिर इस दुनिया को छोड़कर, यानी इस बदन को यहीं छोड़कर, इस मकसद को पूरा करते हुए अपनी रूह के साथ वापस चले जाना है। अजीज़ो, उस रिटर्न टिकट के अलावा इस मकसद के बारे में कोई जगह है जो हमारे वास्ते तैयार की गई है? दिमाग में इस ख्याल को रखना है, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि जब तक जिंदा हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ आना नहीं है, पढ़ना लिखना डिग्री हासिल करना नहीं है,
शादी करना, गम व खुशी हासिल करना नहीं है, इफ़्ज़ाइश नस्ल करना नहीं है, पैसा कमाना, घर बनाना और वापस लौट जाना नहीं है, बल्कि हमने खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को पेश करना है, उस खिदमत के लिए जो खुदा हमसे लेना चाहता है। आइए अजीज़ों मिलकर दुआ करते हैं और खुदावंद से इन सारी चीज़ों की अक्ल और दानाई मांग लेते हैं। ऐ खुदावंद, ऐ प्यारे खुदार, ऐ रहीम बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तूने हमसे बहुत प्यार किया है और तूने हमें कलाम जैसी नेमत अता की है। प्यारे खुदावंद, तूने हमसे बातें की हैं, तूने हमसे कलाम किया है, हम उसे बंद रख के कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें जीने के ढंग कैसे आ सकते हैं। ऐ खुदावंद, तौफीक बख्श कि हम ज़िंदगी को गुजारें मत बल्कि जीना सीखें और सारा का सारा जोर, सारा ध्यान तेरी बादशाही की तरफ लगाते हुए, अपने आप को पेश करते हुए खिदमत गुजार बने। ऐ खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीले से तेरे कलाम की जो बातें आज शेयर हुई हैं उनको दिल में बिठा सकें, उनको दिमाग में बिठा सकें। ऐ खुदावंद, ऐ रहीम बाप, ये तेरे फ़ज़ल के बग़ैर नामुमकिन है। तेरा रहम और फ़ज़ल और तेरा प्यार हर वक्त हमें दरकार है। हम पर रहम कर, तेरे पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहें BTL TV। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.